हमारे लोग हमेशा जीत रहे हैं, ये लोग जो पीछे जो जो लोग काफी मिट्टी खा रहे हैं, काफी अच्छे से। एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। सेहतमंद सरगर्मियों का फ़रोग अशद ज़रूरी है। स्कर्दू में खेलों के ग्राउंड नापेद हैं, लेकिन खेलों से मोहब्बत रखने वाले लोग अपने ही मैदान सजा लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक छोटे से ग्राउंड में, और गुज़िश्ता कई दिहाइयों से यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स जो मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, वो यहाँ पर आते हैं अपने लेजर टाइम को और ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हैं। और ये जो वॉलीबॉल है, ये ओपन हैंडेड वॉलीबॉल है, शूटिंग बॉल इसे कहा जाता है, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इब्राहिम साहब, आप सब इनकी शख्सियत से, इनकी ज़ात से वाकिफ़ हैं, एक स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आपका ये छोटा सा ग्राउंड गुज़िश्ता 30 सालों से सजा हुआ है और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, कैसा लगता है? सर, इसमें जब ये पूरा गेम शुरू होता है तो हम अपने कमीज़ में फूले नहीं समाता, क्योंकि एक हेल्थी माशरा ही खेलों के ज़रिए हम इसको डेवलप कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है कि इलाका कोई हमारा स्कर्दू को होना, खपलू को होना, या किसी जो भी खेल के शौकीन हम इसमें इन्वाइट करते हैं। अभी अल्लाह के फज़ल हमारे पास हुंजे से भी लोग हैं, गिलगित से भी हैं, स्कर्दू से भी हैं, हरमा से भी हैं, जो भी स्पोर्ट्स लवर्स हैं हम इधर आके खेलते हैं। और ये तकरीबन पिछले 30 सालों से हम अपने मदद आपके तहत इसको चला रहे हैं। ये हमने रेंट पे लिया हुआ है ग्राउंड, जो तकरीबन हम लाख 1.5 लाख रुपये हम इसके किराए देते हैं सालाना। और सिवाय उस वक्त जब यहाँ पर कोई मजहबी तकरीबा ना हो, हम इसको डेली खेलते हैं और हमेशा खेल की प्रमोशन के लिए हम जस्तजू करते रहते हैं। यहाँ खिलाड़ियों की अक्सरियत जो है प्रोफेशनल पर मुश्तमिल है, कुछ पुलिस वाले भी हैं, जॉब करने वाले अहबाब भी हैं, कारोबारी शख्सियात भी हैं, इन सबको इकट्ठा करने का काम यकीनन आपका है। इन सबको इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम है? सर, कोई इसमें इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो हम लोग पेंशन रिटायर हो जाते हैं नौकरी से या फिर फुटबॉल वगैरह से ग्राउंड से रिटायर हो जाते हैं, हम उन सारों को यहाँ इन्वाइट करते हैं, वो खुद बहुत हमारे पास आके यहाँ पर हमारे मैदान सजा लेते हैं। सर, सही, निस्बतन बड़ी एज के लोग यहाँ पर खेलते हैं, आप इन सब की सरपरस्ती करते हैं, जवानों का दाखिला बंद है यहाँ पर? नहीं सर, ये ओपन मेरिट पे होता है, जवान आए, बूढ़े आए, दरमियाना लोग आ जाए, सारों के हम वेलकम करते हैं। हम तो आपके सहाफ़ी हजरात से भी से 10 बजे अर्ज करते कि आप लोग भी आ जाएँ, शाम को इधर आके वर्जिश वगैरह करें और हमारे हौसला अफजाई करें। सही, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स क्लबों को भी आप लीड करते रहें, और अगर ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में और स्कर्दू में अगर स्पोर्ट्स की बात होती है तो आपका नाम लाजमी तौर पर लिया जाता है, आपकी सब इज्जत करते हैं। बल्तिस्तान में आप स्पोर्ट्स के जो ज़राए हैं वो महदूद होते जा रहे हैं, ग्राउंड्स की कमी है, टैलेंट यहाँ पर बड़ा है, चाहे वॉलीबॉल की बात करें, फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो ग्राउंड्स की बड़ी कमी है, तो इस हवाले से स्पोर्ट्स क्लबों को क्या करना चाहिए? सर, हमारा एक अभी फुटबॉल का हाल ही में बल्तिस्तान एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक हमारा फोरम बन गया है, जिसका मैं सरपरस्त आला हूँ, तो हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, इंतज़ामिया से, और जो भी इसमें ग्राउंड वगैरह को देखभाल करते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड बनाया जाए, ताकि एक सेहतमंद मुआशरा तरतीब दिया जाए। सर, बहुत शुक्रिया। सर, बहुत शुक्रिया, आप अपने खेल में वापस जा सकते हैं। चारों
इस क्लब में खेलने वाले अमूमन जो खिलाड़ी हैं वो बुजुर्ग तो हो चुके हैं लेकिन दिल उनका अभी भी जवां है। इब्राहिम साहब से हमारी बात हुई, यहाँ खेलने वाले क्लब के कुछ और मेंबरान से भी हम इसी हवाले से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अंजुम साहब, आज आप हमने क्लब का विज़िट कर रहे हैं और ये आप यहाँ देख रहे हैं क्लब बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मोहम्मद इब्राहिम का उल्डिंग ग्रीन क्लब के चेयरमैन की सरबराही में, जो पिछले 10 साल से मैं ख़ुद इस क्लब का मेंबर रहा हूँ, गोया कि ये क्लब तकरीबन पिछले 20-25 साल से ये एक मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। यहाँ पर जो रिटायर्ड हुए हैं फुटबॉल खेल फिज़िकली फ़िट रहते थे, उसके बाद जो है फुटबॉल खेल कर रिटायर्ड हुए हैं, उन सब लोगों को क्लब का मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा जो भी स्कर्दू का प्लेयर जो आना चाहता है क्लब का मेंबर बनना चाहता है, जिसमें शकील हैं, ये शाहीन कलर का प्लेयर रहा है फुटबॉल का, जो ये भी वो भी यहाँ पर मेंबर हैं, तो किसी के लिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लब की जो बायलास बना हुआ है उसके तहत अगर यहाँ पर एडमिशन होते हैं और उसके बाद जो है फिज़िकल जो वॉलीबॉल का हमारा डेली 3 मैचेस होते हैं, 3 मैचेस में से 2 जो जीतता है उसके बाद जो है फाइनल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सफाई का बड़ा इंतज़ाम है, क्लब को बाकायदा तरीके से बाउंड्री वॉल के अंदर एक साफ सुथरे निज़ाम के तहत चला रहे हैं। इसमें हाजी इब्राहिम साहब और गुलाम मेहदी साहब, जो जिसको आप गुलाम मेहदी अजंग कहते हैं, इन्होंने जो है आप खुद देख रहे हैं यहाँ सफाई का भी ख्याल रखा जाता है और चाय का भी इंतज़ाम है। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है जिसमें क्लब के मेंबरान के अलावा दीगर लोग भी जहाँ पर शामिल हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसमें बाकायदा किराया दिया जाता है इस जगह का, साल में पेमेंट करते हैं और जिस तरह डाउन में और दीगर इलाकों में जो क्लब चलते हैं उससे भी अच्छे अंदाज में ये क्लब को चलाया जा रहा है। इस एक्टिविटीज़ को जारी रखने से हमें फिज़िकली, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ख़ुद पुलिस में मुलाजमत करता हूँ, तो हमें फिज़िकली फ़िट रहना ज़रूरी है, तो दीगर जगह पर हम जाके वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लब की वजह से हम यहाँ पर बाकायदा तौर पर मेम्बर बन के इसके फिज़िकल हेल्दी एक्टिविटीज़ में हम हिस्सा ले रहे हैं और ये तमाम मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं और मुलाहिजा कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये इस तरह के क्लब स्कर्दू में और भी अगर खुलेंगे तो इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ और लोगों को क्लब के मेंबर बनने और एक्टिविटीज़ में मदद मिलेगी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि अभी जितने भी खिलाड़ी आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये एक वक्त में बल्तिस्तान के मायनास जो स्पोर्ट्स क्लब है उल्डिंग स्पोर्ट्स ग्रीन उसके खिलाड़ी हुआ करते थे और चूंकि वक्त के साथ साथ उन्होंने मतलब चूंकि आप फुटबॉल आके हम नहीं खेल सकते हैं लिहाजा हम अपने फ़िटनेस को जारी रखने के लिए कि ये वॉलीबॉल क्लब खोला है और हमारा जो होल्डिंग क्लब के जो चेयरमैन हाजी इब्राहिम साहब हैं वो चूंकि फुटबॉल के साथ साथ आप इस वॉलीबॉल क्लब को भी लुक आफ्टर करते हैं, तो इस तरह से ये इस टाइम पर चूँकि हर बंदा मसरूफ़ रहता है इसकी फ़िटनेस के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इस मसरूफ़ टाइम में हर बंदा इधर आके अपने मतलब पुराने ज़माने की यादों के साथ साथ अपने दुख दर्द में और हर मुश्किल टाइम पे एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते हैं। बस ये कैप्चर रहीम, ये जो हमारा आप इधर देख रहे हैं सारे सीनियर लड़के जो हम फुटबॉल हॉकी जो है खेलते थे और हमेशा उल्डिंग ग्रीन के नाम से जो है वो विनर रहता था, तो उन लड़कों ने जो है अब उम्र का तकाजा था कि सब जो है कोई 45 कोई 50 से एबो हुआ है, इसलिए अपनी फिटनेस और वर्जिश को बरकरार रखने के लिए एक वॉलीबॉल क्लब जो है यहाँ पर खोला है जिसमें हमारे सीनियर तमाम लड़के इधर आते हैं शाम के वक्त, दिन को नौकरी करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, कोई और काम करते हैं, थकावट होती है और शाम को हम इधर आते हैं वॉलीबॉल खेलते हैं और रिलैक्स होते हैं, तो इसलिए मखसूस हमने एक वॉलीबॉल का जो क्लब खोला है इसमें हमारे सब सीनियर बच्चे जो पहले फुटबॉल और हॉकी खेलते थे अब वो नहीं खेल सकते, इस वजह से सारे रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की हर दुख दर्द में जो है पेश होते हैं। आज हम लोग को यहाँ पे तकरीबन 11-12 साल से यहाँ पे वॉलीबॉल क्लब में हम खेलते हैं, हमें 4 बजे कभी सर्दी में 5 बजे और गर्मी में तकरीबन 4 बजे हम लोग यहाँ गेम शुरू करते हैं, तो
तो हमें सारा दिन इसी 4 बजे का इंतज़ार रहता है, क्योंकि दिन भर घरों में हमारी परेशानियाँ, माशी परेशानियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की घरेलू बीमारियाँ, इनमें बंदा लगा रहता है। यहाँ आता है, एक तो हमारी वर्जिश हो जाती है वॉलीबॉल से, दूसरा ये कि हम लड़के सारे तकरीबन एक उम्र के दोस्त यार लड़के हैं सारे, तो हम लोग यहाँ पे आपस में मजाक हंसी मजाक करते हैं, इससे खुश रहते हैं और इससे हमारे जो बहुत सारी बीमारियाँ जो है ना इससे रिलीज़ हो जाती है हमसे। हम यहाँ आके अपने घरेलू सारे परेशानियों को भूल जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे हम बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए एक तो एक्सरसाइज, दूसरा जनाब दोस्तों के साथ गपशप, और ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत है। और अल्लाह हमारे इब्राहिम भाई को सलामत रखे, ये उनकी कोशिशों से है, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी जनाब लिए प्यार है, सारे लड़कों को इकट्ठा रखना, इनको यहाँ पे एक जगह बुलाना, इनके आपस के थोड़े बहुत हो जाते हैं तो ये उन सब में आपस में जो जनाब फैसला करा के एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से इंतजार करना, ये सारा इब्राहिम भाई की मेहरबानी है। अल्लाह इनका साया हमारे ऊपर सलामत रहे और इनको अल्लाह हमेशा खुश रखे। रमान रही नहीं जी का जो वालवाली खातो लोग है कि शुरू में से नहीं फूंग हमी ये पिकनिक ये उसी वजह से कहा हो वालवाल से अपने आराम इतफाक है इतफात है इतमाद है नहीं जी मीनू क्या फंसा झगड़ा क्या मिट पिन सुबह शाम वालवाल चलते हुए इनार तक गुजर गए। इब्राहिम भाई हमारा चेयरमैन है, मैं नाइब चेयरमैन हूँ, बस इनमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, खुदा के पास उठे गाम कि जहाँ पर खेल के ग्राउंड आबाद हो वहाँ अस्पताल वीरान हुआ करते हैं। स्कर्दू में इस वक्त ग्राउंड्स की शदीद कमी है और इस कमी को यकीनन पूरा करना चाहिए। जो आवामी नुमाइंदे हैं, जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, वो इस मरहले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ पर अमूमन आप आकर देख भी सकते हैं हमारे इन बुज़ुर्गों को, ये सारे बुज़ुर्ग हैं जो अपने लेजर टाइम को यहाँ पर स्पेंड करते हैं और खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं और साथ साथ नौजवानों को भी तरगीब देते हैं कि सेहतमंद एक्टिविटीज़ में शामिल होना अशद ज़रूरी है। यहीं पर इजाज़त चाहेंगे आपसे, मोहम्मद अली अंजुम और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर। Oh, yeah.